एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए बोला गया है कि एक पॉइंट है हमारा, मान लेते ए, इसके निर्देशांक दिया गया है -1.7 और दूसरा बिंदु है, मान लेते दूसरा बिंदु यहाँ पर है, इसके निर्देशांक दिया है 4.-3। अब बोला है कि इन दोनों बिंदुओं को एक रेखाखंड मिला रहा, देखिए एक रेखाखंड बना दिया गया 1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सुनिए, बोला कि हमारे दो बिंदु हैं, हमने मान लिया ए और बी, इन दोनों बिंदुओं को कोई एक तीसरा बिंदु है जो बीच से काट रहा है। अब देखो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, अब तीसरा बिंदु है जो बीच से काट रहा है, वो तीसरे बिंदु का तो पता नहीं है, लेकिन उसके लिए हिंट दिया है कि जो तीसरा बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पर है, ये तीसरा बिंदु सी है, ये जहां पे काट रहा है ये इनके एक अनुपात बना दे रहा है, इनके साथ एक अनुपात बना दे रहा है। अनुपात क्या बना रहा है? 4:3 का अनुपात बना रहा है। क्या बना रहा है? 4:3 का अनुपात बना रहा है, नहीं है ना, सॉरी 2:3 है भैया, उल्टा हो गया क्वेश्चन, 2:3 का अनुपात बना रहा है। अब यहां पर हमको इस बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करना है, बिंदु सी के, भैया हमको पता है कि अगर कहीं पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरा बिंदु हो और किसी निश्चित अनुपात में काट रहा है, तो अनुपात इस बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र हो तो क्या होता है, m1x2+m2x1/m1+m2, और दूसरा वाई के लिए निकालने का होता है फॉर्मूला m1y2+m2y1/m1+m2, ये फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमको इस बिंदु सी के निर्देशांक निकालना है, तो भैया हम इसमें रख देते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि x1x2 m1 m2 क्या है। तो अभी तक हम लोग 7.1 एक्सरसाइज में, 7.1 एक्सरसाइज में x1 x2 निकालते थे, वही x1 x2 की बात है कर रहा है, इन्हीं निर्देशांकों से निकालेंगे। तो x1 क्या हो गया हमारा, x1 हो गया भैया -1, x2 क्या हो गया, x2 हो गया हमारा 4, इसके बाद y1 क्या हुआ, y1 हो गया 7, y2 क्या हुआ, y2 हो गया हमारा -3। ये x1 x2 हो गए, y1 y2। अब इसके बाद देखो m1 m2 भी बोला है, तो m1 m2 क्या है, तो भैया जो अनुपात दिया रहता है ना क्वेश्चन में, देखो इस रेखा को हम 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं, इस रेखा को 2:3 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो ये जो अनुपात है यही हमारे m1 m2 है। हम पहले अनुपात को मान लेते हैं m1 कितना हो गया 2, दूसरे अनुपात को मान लेते हैं m2 हो गया 3, तो सभी मान मिल गए। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो x=m1, देखिए भैया m1 क्या है 2 है, गुणे x2 4 हो गया, प्लस m2 3 हो गया, गुणे x1 -1 हो गया, बटे m1 m2 2 और 3 हो गए, तो 2 × 3 लग दिया। अब y के लिए भी वैल्यू रख देते हैं, क्या रखना है, पहले m1 रखना है, m1 2 हो गया, y2 रखना है, y2 हमारा -3 हो गया, फिर प्लस m2 तो भैया 3 है, y1 कितना भैया y1 7 है, बटे m1+m2, तो m1 है 2, m2 है 3, इनको भी रख देते हैं 2 × 3, सभी वैल्यू रख दिया गया। अब सभी वैल्यू रखने के बाद इनको हल कर देते हैं, क्या होगा, x=4 का 2 से गुणा करोगे भैया 8 आएगा, 3 का 1 से करोगे 3 आएगा, लेकिन यहाँ देखो प्लस है यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, बटे 3 × 2 = 5। अब y के लिए रखें, 2 का 3 से गुणा करेंगे 2 × 3 = 6, लेकिन प्लस माइनस का माइनस, प्लस 3 का 7 से गुणा करेंगे 7 × 3 = 21, बटे 3 × 2 = 6। अब इसके आगे देखो हमने सभी को गुणा करके रख दिया, अब इसके बाद यहां पर
8 से अगर 3 घटाए तो 5 आया, बटे ये बटे 5 रख दिए। इधर भी देखो करें, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो दोनों घट जाती हैं। अब 21 से 6 घटाए घटाएंगे तो आ जाएगा 15 बटे रे 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 5, तो यहाँ 3 2 5 था। अब इनको करें 5 1 5 5 3 15, यहां से काटे एक एक बार में एक कट गया। तो अच्छा देखो, x का मान मिला 1, y का मान मिला 2। हम ये x y इस बिंदु के निर्देशांक है थे, ये जो x y हम भैया निकाल रहे थे, x y क्या थे, इसी बिंदु के निर्देशांक थे। तो x का मान कितना मिला, x का मान मिला 1, y का मान मिला 3, तो 1, 3। इस बिंदु c, ये जो ए बी को 2:3 के अनुपात में काट रहा था सी, तो इस सी के निर्देशांक क्या है, इस सी के निर्देशांक है 1, 3। हमको इसी बिंदु के निर्देशांक पूछा था। फिर समझो क्वेश्चन ने क्या बोला था, बोला था कि दो बिंदु हैं, अब इन दोनों बिंदुओं को कोई रेखा खंड जोड़ रहा है। देखो ए बी इनको जोड़ दिया गया, तो जब इनको जोड़ देते हैं तो इनके इनमें कहीं एक बिंदु सी है, और ये सी इसको इस पूरे रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में काट रहा है। ये इस रेखाखंड को सी 2:3 के अनुपात में काट रहा है, तो अब इस सी के निर्देशांक बताना था। तो जब भी निर्देशांक निकालना हो तो हमारा विभाजन सूत्र लगता है, और विभाजन सूत्र ये रहा, अभी बताया ना कि ये विभाजन सूत्र है, ये विभाजन सूत्र। अब इस विभाजन सूत्र में हमने x1, x2, y1, y2, m1, m2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दिया, तो जो भी x और y का मान मिला वही हमारा इस बिंदु C के निर्देशांक हो गए। समझ में आया, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, बिंदु 4, -1। देखिए एक बिंदु दिया है, इसको भी नाम दे दो ए, इसके निर्देशांक है 4, -1, और 2, -3 एक दूसरा बिंदु भी है, इसको बना लेते हैं यहाँ पर, इसके निर्देशांक दिया है -2, -3, -2, -3। ये जो दो बिंदु है को जोड़ने वाले रेखाखंड, अब बोला कि ये जो दो बिंदु है इनको कोई रेखाखंड जोड़ रहा है, तो अब इनको एक रेखाखंड के द्वारा जोड़ देते हैं। जोड़ दिया गया, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। अच्छा समत्रिभाजित मतलब क्या होता है, समत्रिभाजित देखिए, समत्रिभाजित मतलब सम मतलब बराबर, त्रिभाजित मतलब तीन भागों में बांटना। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, समत्रिभाजित मतलब तीन बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में, इस रेखाखंड को तीन बराबर भागों में बांटना है, तो जो इसको तीन बराबर भागों में बांटे उन्हीं बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। देखो हम जैसे मान लें कि यहां पर एक जगह यहां से काटा गया है, एक जगह यहां से, हो गया ना तीन जगह, 1, 2, 3 तीन जगह से काट दिया गया। तो अब एक तो बिंदु ये हो गया सी, एक बिंदु हो गया डी, कौन कौन काट रहा है, एक तो सी काट रहा है, एक तो डी काट रहा है। अभी ना देखो ये 1, 2, 3 तीन भागों में बांटा ना, समद्विभाजित करना है, और ये तीनों भाग बराबर बराबर है, इन्हीं सी और डी के निर्देशांक निकालना है। लेकिन जब भी देखिए भैया, यहां पर सब चीज तो दिया है लेकिन एक चीज नहीं दिया, क्या नहीं दिया, इस सी और डी के अनुपात नहीं दिया कि किस अनुपात में काटना है, लेकिन एक बात बोल दिया है कि ये जो टुकड़े मिल रहे हैं, या एसी की बात करें या सी डी या तो फिर डी डी, ये सब बराबर बराबर है, समत्रिभाजित समान है, ये सभी बराबर बराबर है, तो अनुपात यहां पर हमको खुद निकालना पड़ेगा। अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे, अगर हम सी के लिए बोले, बिंदु सी के लिए, अच्छा बिंदु सी के लिए अगर अनुपात निकाले तो क्या अनुपात निकलेगा, देखो बिंदु सी से अगर कट रहा है तो इधर देखो कितने टुकड़े हैं, इधर एक टुकड़ा है, इधर कितने टुकड़े हैं, इधर एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा, ये एसी की तरफ एक टुकड़ा और इधर सीबी की तरफ दो टुकड़े, तो कितने अनुपात में बना, इधर एक टुकड़ा है तो 1:1, इधर कितने टुकड़े हैं 2, तो सी एबी को सी किस अनुपात में काट रहा है, 1:2 के अनुपात में काट रहा है। अब इसी सी के लिए हमको निर्देशांक निकालना है, ये सी किस अनुपात को, सी तो 2:1:2 के अनुपात में काट रहा है, लेकिन इस सी के निर्देशांक क्या है,
तो जब भी निर्देशांक निकालना हो, अनुपात दिया हो, तो वहां पर हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करना है। तो इसीलिए हमको देखो अनुपात भी पता है तो और इस बिंदु सी के निर्देशांक निकालना, तो विभाजन सूत्र लगा लेते हैं। विभाजन सूत्र क्या है? एक्स के निर्देशांक, एक्स के मान निकालने के लिए है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपान एम वन प्लस एम टू, और वाई के लिए बनेगा एम वन वाई टू प्लस एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपान एम वन प्लस एम टू, ये बनेगा। अच्छा, तो पहले हमें काम करते हैं बिंदु सी के लिए एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू के मान निकाल लें। तो हमारे एक्स वन का मान क्या होगा? एक्स वन भैया चार होगा, वाई वन क्या होगा? वाई वन माइनस एक होगा, एक्स टू क्या होंगे? एक्स टू होगा माइनस दो, वाई टू क्या होगा? वाई टू होगा माइनस तीन। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो जो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू के मान है वो दोनों बिंदुओं को वही रहेंगे, वो दोनों बिंदुओं के लिए बदलेंगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि भैया ये जो सी और डी है ये ए बी को ना विभाजित कर रहे हैं, दोनों एक ही रेखा को विभाजित कर रहे हैं, तो इसलिए ये मान नहीं बदलने वाले, बस एम वन एम टू है बदल जाना। क्योंकि अभी देखो ये एक अनुपात सी एक अनुपात है दो के अनुपात में काट रहा है, हो सकता है डी दूसरे अनुपात में काटे, तो एम वन एम टू तो बदलेगा। चलिए इसके लिए निकाले, और तो एम वन क्या हो जाएगा सी के लिए? एम वन पहला अनुपात होता है, एम टू दूसरा अनुपात होता है, दो रख दिया गया। अब इस पे वैल्यू रख देते हैं, x बराबर m1, m1 है एक, x2 है माइनस दो, प्लस m2 है दो, x1 है चार, बटे m1 प्लस m2, m1 क्या है एक धन, m2 क्या है दो, रख दिया गया वैल्यू। अब y वाले में भी रखते हैं, m1 है एक गुणे y2 है माइनस तीन धन m2 है दो, y1 है माइनस एक बटे m1 प्लस m2 यानी एक धन दो। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक का गुणा माइनस दो से करेंगे तो भैया माइनस दो आ गया, दो का चार से करेंगे तो दो चर को आठ होता है, बटे दो एक और दो तीन हो गया। x को हमने सॉल्व किया, अब y के पास चलें तो एक का तीन से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक का तीन से करेंगे माइनस तीन है तो माइनस तीन आंसर आया। अब दो का एक से करेंगे तो दो तो आया आंसर, लेकिन यहाँ देखो प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो हटा दो ब्रैकेट, ये दो और एक जोड़ के हो गए तीन हो गए। तो एक्स बराबर यहाँ देखो एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो जब एक संख्या माइनस की है एक प्लस की है तो दोनों घट जाएंगे, तो दो से अगर आठ घटाएं तो बचेगा छह बटे तीन। अच्छा, जब दोनों घटती है ना, एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह रखा जाता है। अब वाई के लिए भी निकालें, तो माइनस तीन माइनस दो, यहां दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं तो भैया जुड़ेंगी, तो माइनस तीन माइनस दो हो गया माइनस पांच बटे तीन आ गया। अच्छा, ये देखो कट रहा है, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, एक्स का मान दो, और यहां से कितना आएगा? ये तो कटने वाला नहीं है, ये पांच से तीन से तो कटने वाला नहीं है, और ना तो कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाए, तो हम इनको वही लिख देते हैं माइनस पांच बटे तीन। तो बिंदु सी के लिए देखो एक्स और वाई के मान आ गए, तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो गए? दो का मान माइनस पांच बटे तीन, जो एक्स वाई के मान आते हैं यही हमारे निर्देशांक होते हैं। तो बिंदु सी के लिए हमने निर्देशांक निकाल दिया, आसान था। ऐसे ही हमको बिंदु डी के लिए निकालना है। अच्छा, तो इसको पहले मिटा दें, अब बिंदु डी के लिए निकालते हैं। अच्छा, बिंदु डी के लिए भी हमने बताया था पहले भी कि चाहे सी के लिए निकाले चाहे डी के लिए निकाले, ये दोनों विभाजित एक ही रेखा को रहे, काट एक ही लोक को रहे हैं, तो x1 x2 y1 y2 के मान नहीं बदलेंगे, सिर्फ बदलेगा तो सिर्फ अनुपात बदलेगा, क्योंकि एक ही रेखा को काट रहे हैं। अब यहां पर देखो अगर हम बिंदु D की बात करें तो बिंदु D किस अनुपात में काट रहा है? बिंदु D किस अनुपात में काट रहा है? तो देखो बिंदु D से A की तरफ
कितने खाने हैं, एक इधर खाना एक इधर खाना, दो खाना हो गए। इधर कितना है, एक है, इधर देखो दो खाने हैं, इधर एक खाना है, तो क्या अनुपात बना, दो इधर एक इधर, यानी कि दो अनुपात एक का अनुपात बना। बिंदु डी किस अनुपात में काट रहा है, दो अनुपात एक के अनुपात में काट रहा है। तो M1 M2 क्या हो गए, ये पहला अनुपात हमारा M1 होता है, दूसरा अनुपात M2 होता है। अब बिंदु डी के भी निर्देशांक निकालना है, तो जब बिंदु डी के निर्देशांक निकालना है तो इसमें फिर से वैल्यू रख देते हैं, एक्स वाई के फिर कोई नए मान मिलेंगे वो बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे। चलिए रखे मान, तो एक्स बराबर एम वन, एम वन का मान है दो, व एक्स टू, एक्स टू का मान है माइनस दो, प्लस एम टू, एम टू का मान है एक, गुणे एक्स वन का मान है चार, बटे एम वन एम टू, एम वन है दो कामा एक, यानी दो धन एक। अब वाई के लिए रखें, एम वन है दो, वाई टू का मान है माइनस तीन, प्लस एम टू, एम टू का मान है एक, गुणे वाई वन का मान कहा है माइनस वन, बटे एम वन प्लस एम टू, तो एम वन कितना है दो धन, एम टू का मान एक आ गया। अब इनको हल करते हैं, तो x बराबर दो का दो से करेंगे, दो दूनी चार, लेकिन प्लस माइनस का माइनस चार, प्लस एक का गुणा अगर चार से करें तो चार एक कम चार, बटे दो और एक जुड़ के हो गए तीन, x का पद हल हो गया। देखिए भाई जितनी भी है ना क्वेश्चन, सभी में मेन चीज है सॉल्विंग समझ लो। अगर ये सॉल्विंग आप लोग को मान रख के गुणा भाग आता है तब तो भैया पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। अरे गणित है क्या, जोड़ घटाओ गुणा भागी तो है, अगर ये जोड़ घटाओ गुणा भाग आ रहे हैं तो हर सवाल बनता है सबसे। वाई का, अब वाई के लिए दो और तीन का अगर करें तो तीन दूनी माइनस छह, यहाँ एक एक का गुणा एक, लेकिन प्लस माइनस का माइनस एक, दो और एक का गुणा तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा तीन। अब इनको हल कर लो, तो माइनस चार प्लस का चार, एक संख्या धनात्मक एक ऋणात्मक, तो जब एक धन का हो एक ऋण का हो तो कट के जीरो, यानी घट जाती है, तो घट के जीरो बटे तीन। वाई के लिए निकाले, माइनस छह माइनस एक जुड़ के आ गया माइनस सात बटे तीन। अब जीरो में किसी संख्या का भाग दें तो भैया जीरो आता है, इसलिए एक्स का मान जीरो। और वाई में माइनस सात में, तो सात में तीन का भाग दो जाएगा ही नहीं, तो अगर नहीं जाएगा तो भाई कटने वाले नहीं है तो वही मान रख देते हैं, तो फिर से एक्स वाई के मान मिल गए। अब इन एक्स वाई के मान जो भी आए हैं, आप बिंदु डी के लिए निकाल रहे थे, तो ये जो एक्स वाई के मान आए ये हमारे वाई डी के लिए निर्देशांक हो गए। क्या आया, जीरो कामा माइनस सात बटे तीन आ गया, ये हमारे बिंदु डी के निर्देशांक हो गए। समझ में आया, चलिए तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बिंदु माइनस तीन कामा दस, देखिए एक बिंदु फिर से दे दिया गया, मान लेते हैं ए, और बिंदु क्या है माइनस तीन कामा दस, बिंदु ए ये रहा। इसके बाद दिया है दूसरा बिंदु छह कामा माइनस आठ, हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी है, इसके निर्देशांक दिया है छह कामा माइनस आठ, ये दो बिंदु दे दिया। बिंदु तीन कामा माइनस तीन कामा दस और छह कामा माइनस आठ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु माइनस एक कामा छह किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा किया पहले की अपेक्षा। क्या बोला है कि दो बिंदु, अब इन दोनों बिंदु को अगर हम एक रेखाखंड से जोड़ दें, इन दोनों बिंदु को क्या किए हमने एक रेखाखंड से जोड़ दिया, रेखाखंड थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये एक रेखाखंड है। अब इस रेखाखंड को कोई बिंदु है मान लेते हैं सी, ये काट रहा है, लेकिन इस बार इस सी के अनुपात नहीं दिया, इस सी के इस बार अनुपात नहीं दिया है, दिया क्या है कि सी, इस सी के निर्देशांक दिया कि माइनस एक कामा छह पर है, ये सी के अनुपात नहीं दिया, इस सी के इस बार निर्देशांक दे दिया, बोला ये यहां पर काट रहा है, इस जगह पर है ये बिंदु सी, तो हमसे बोला क्या है कि अब ये किस अनुपात में काटेगा वो अनुपात निकाल लो, किस अनुपात में काट रहा है वो अनुपात निकाल लो। तो ये क्वेश्चन अगर यकीन मानो तो बहुत सरल है, वहां पर जो जहां पर अभी तक हमको निर्देशांक निकालना था ना उससे भी बहुत सरल,
जब भी बोले किस अनुपात में काट रहा है तो पहले तो विभाग देखिए, अगर हमको अनुपात निकालना है तो देख लेना ये निर्देशांक दिया होगा, ठीक है, ये निर्देशांक हमको दिया होगा। अगर ये निर्देशांक दिया है तब तो चाहे भैया आप केवल एक्स वाले को हल कर लो, चाहे केवल वाई वाले को हल कर लो, दोनों को करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को कर लो, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आएगा? हमको पता है कि ये जो ए और बी है, जो रेखा के लिए जो बिंदु दिए गए हैं, इनसे हमारा एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू निकालना है, तो पहले वही चीज निकाल लेते हैं। एक्स वन बराबर माइनस तीन, अच्छा वाई वन कितना हो जाएगा, वाई वन दस हो जाएगा, एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स टू छह हो जाएगा, वाई टू क्या होगा, वाई टू माइनस आठ होगा। हमको अनुपात नहीं पता ना, यानी कि एम वन एम टू क्या होंगे, एम वन का मान नहीं पता, एम टू का मान भी नहीं पता, ये चीज तो निकालना है। तो हम अनुपात को अभी मान लेंगे कि वो एम वन अनुपाते एम टू के अनुपात में ही काट रहा है, या तो अगर चाहो के अनुपाते एक भी मान के कर सकते हो, लेकिन हम इसको एम वन एम टू वाले से भी करा रहे हैं। एम वन एम टू के मान तो हमको निकालना है, तो चलिए पहले हम विभाजन सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे, पहले सूत्र निकाल रख लेते हैं, फिर एक चीज और समझाते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर एम वन एक्स टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। यहाँ पर हमको चाहे एक्स से निकालने चाहे वाई से निकालने दोनों की जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी एक से आ जाएगा। अगर करना चाहो दोनों से तो दोनों से भी हो सकता है, दोनों जगह सेम आंसर आएगा, क्योंकि एक्स वाई नहीं निकालना, एम वन एम टू है निकालना है। अच्छा, हम केवल एक्स बस लिख रहे हैं, हमारा इससे आ जाएगा, वाई नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमको एम वन निकालना है, एम टू निकालना है, एक्स टू वाई वन ये सब, अरे एक्स टू एक्स वन ये तो पता है हमको। अब बात आती है कि ये जो एक्स है, अगर ये एक्स का मान पता हो तो आसान है। क्या x का मान पता है? देखो ये x है, क्या ये जो x है, ये जो बिंदु इन दोनों को, जैसे हमारा एक बिंदु a था एक b था, इसको कोई बिंदु c काट रहा था, तो ये जो काट रहा है इस बिंदु के जो निर्देशांक है, ये वही वाला x और y है। ये जो x होता है ना, ये जो बिंदु काटा करते हैं, इन्हीं के निर्देशांक है, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहां पर देखो x दिया ना, इसका मान क्या है, इसका मान है माइनस एक। अगर y वाला रखते तो y का मान होता छह, यहाँ पर जो y होता है। अच्छा, अब इस पे वैल्यू रखें, देखते हैं x का मान कितना है, माइनस वन, एम वन निकालना है, एक्स टू एक्स टू छह, प्लस एम टू नहीं पता, एम टू ही रहने दो, एक्स वन माइनस तीन बटे एम वन प्लस एम टू, ये तो भैया निकालना है एम वन प्लस एम टू। अब यहाँ पर अगर हम थोड़े इनको गुणा कर लें, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो छह का एम वन से करेंगे तो छह एम वन प्लस माइनस तीन का एम टू से करेंगे तो माइनस थ्री एम टू बटे एम वन प्लस एम टू, आ गया इतना। अब हमको एम वन एम टू का अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ तीरिया गुणा कर लेते हैं, एक का गुणा अगर ऊपर में करें तो आ जाएगा सिक्स एम वन माइनस थ्री एम टू इक्वल, माइनस एक का एम वन एम टू से गुणा करेंगे तो माइनस एम वन माइनस एम टू, ये आ गया माइनस एम वन माइनस एम टू। अब देखो यहाँ पे भैया हमको अनुपात निकालना है, तो अगर हम दोनों एम वन को एक तरफ कर ले, एम टू को एक तरफ कर ले, दोनों भैया पास पास हो जाएंगे एक जैसे वाले, तो एम वन के पास एम वन को ले आओ, इधर माइनस है तो इधर आया प्लस में, इधर देखो एम टू है, एम टू के तरफ एम टू को लेके जाओ तो थ्री एम टू, यहां से सिक्स एम वन और एम वन, यहाँ पे सिक्स छह बार एम वन है, यहाँ एम वन एक बार है, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए सेवन एम वन, माइनस एम टू थ्री एम टू, देखो एक माइनस एक प्लस, तो दोनों घट जाएंगे, घट के कितना आएगा, घट के आया टू एम टू। अब देखो भाई यहाँ पे हमको निकालना क्या है, हमको एम वन एम टू का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, एम वन एम टू का अनुपात। भैया देखो कोई भी चीज हो वो बटे में लिखी होती है, उसी को है हम अनुपात बोल देते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं कि एम वन अनुपात एम टू का मतलब है एम वन बटे एम टू। हमको निकालना क्या है, एम वन बटे एम टू निकालना है, क्योंकि अनुपात तो बटे से ही बनता है ना, तो यहां से हम क्या निकालते हैं, एम वन बटे एम टू निकालना है। तो एम वन बटे एम टू निकालने के लिए हम एम टू को एम वन की तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, यानी कि चर को चर की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ। तो देखो M1 है
एम वन की तरफ है एम टू, तो ये गुणे से इधर बन जाएगा भाग में, उधर क्या है दो बटे ये सात उधर जाएगा तो बटे सात हो गया। अब देखो M1 बटे M2 कितना आया, M1 बटे M2 दो बटे सात आया ना, तो ये जो बटे में आ जाता है यही हमारा अनुपात है। किसी संख्या का अनुपात निकालने के लिए उसको बटे में रखा जाता है। तो यहाँ M1 बटे M2 कितना आया, दो बटे सात, यानी कि ये बिंदु, या तो यहाँ पे ऐसे बोल दो कि M1 अनुपाते M2 बराबर, इसको अनुपात लिख सकते हैं, तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि दो अनुपाते सात। अब देखो बिंदु अनुपात आ गया ना M1 M2 का, हमको निकालना क्या था, यही M1 M2 का अनुपात है निकालना था। और M1 M2 किसके लिए निकाल रहे थे, इस बिंदु C के लिए, कि ये C किस अनुपात में काट रहा है। तो क्या अनुपात आया, हमको मिला कि यह बिंदु C भैया दो अनुपाते सात के अनुपात में काट रहा। उससे सरल है ना, हमको सिर्फ अगर यहाँ पे चाहो तो x वाले से निकाल सकते हो, अगर मान लेते हैं हमको x का निर्देशांक नहीं पता, y का पता है तो y वाला रख दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना M1 M2 यहाँ पे जो निर्देशांक होते हैं, जो काट रहा है, जो बिंदु कट कर रहा है, काट रहा है, उसके जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाई कहे जाते हैं, तो इसलिए एक्स कहा जाता है। अगर एक्स का निर्देशांक पता है तो एक्स का रख दो, वाई का पता है तो वाई वाला रख लो, दोनों पता है तो चाहे जो रख लो, और सीधे वैल्यू रख करके हल कर देना। बात समझ में आई सबके, तो चलिए ठीक है, तो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए इस बार क्वेश्चन दिया है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु, एक बिंदु दिया है ए, इसके लिए निर्देशांक दिया है एक कामा माइनस पांच, एक कामा माइनस पांच, और क्या दिया है बिंदु ए और बिंदु बी, दूसरा बिंदु क्या दिया है, दूसरा बिंदु बी दिया है, इसके निर्देशांक है माइनस चार कामा पांच, माइनस चार कामा पांच, माइनस चार कामा पांच को मिलाने वाला इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों को कोई रेखाखंड मिला रहा है, जोड़ रहा है, तो मिलने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिए भाई ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड को कोई लाइन ऐसे आके काट दे रही है, कोई रेखाखंड है, इस रेखाखंड को कोई लाइन आके काट दे रही है, और बाद में पता चला कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन काट रही है, ये लाइन एक्स अक्ष की लाइन है। कौन से अक्ष की लाइन है, एक्स अक्ष की लाइन है। जैसे कि हम चतुर्थांश बनाए तो चतुर्थांश में ये हमारा ए है, ये बी, इसको देखो ये एक्स अक्ष वाली लाइन काट रही है ना, यहां से काट रही है, तो कुछ ऐसे है चित्र, ये एक्स अक्ष वाली लाइन काट रही है। अगर हम एक बात पूछे कि ये मान लेते हैं ये बिंदु सी पर काट रहा है, यहां पर क्या है, यहां बिंदु सी है, ये बिंदु सी काट रहा है, तो इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे। ध्यान है, बताए थे एक चीज एक्सरसाइज 7.1 में कि अगर चतुर्थांश की जो रेखा अक्ष है, जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष, अगर किसी को, या तो ऐसे समझो थोड़ा सा, ये चतुर्थांश, इसमें से ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, इसमें से कोई बिंदु यहां पर है, इस बिंदु के अगर हमको निर्देशांक निकालना है, तो भैया अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके लिए वाई जीरो होगा, और अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसके लिए एक्स जीरो होगा, वाई का पता नहीं, यानी कि अगर एक्स अक्ष पर बिंदु है तो वाई जीरो होगा, और अगर वाई अक्ष पर बिंदु है तो एक्स जीरो होगा। तो निर्देशांक निकालते हैं उसमें एक्स के लिए वाई वाला जीरो रहेगा और वाई अक्ष के लिए एक्स जीरो रहेगा। ये बात समझ में आई। अच्छा इसी बात को देखो, यहां पर हमको बताया गया कि जो सी है ये कहां है, ये एक्स अक्ष पर है, भैया अगर एक्स अक्ष पर है तो यहां पर क्या होगा, वाई जीरो हो जाएगा। अच्छा तो एक्स कितना होगा, एक्स तो पता नहीं है, तो हम एक्स को मान लेते हैं, एक्स को मान लेते हैं, चलो एक्स ही मान लो, बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स कामा जीरो हो गए। अब हमको इस बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है, यानी एक्स कामा जीरो तो है, एक निर्देशांक तो मिल गया, इस एक्स का मान निकालना है, इस एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए भैया अगर हमको इसके निर्देशांक निकालना है तो हमको अनुपात पता होना चाहिए। अगर कोई रेखा
अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु काट रहा है तो अगर उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है तो हमको अनुपात तो पता होना चाहिए, लेकिन अनुपात तो अभी हमको पता नहीं है। तो अनुपात हम पहले निकालें। अच्छा, कैसे निकालें? तो अनुपात निकालने के लिए देखो, वाई जो सी है, जो बिंदु सी है, इस सी के लिए वाई का मान पता है, जीरो है। तो हम वाई का सहारा लेकर के पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकाले, चलिए तो डायरेक्ट रखते हैं, एक्स वन का मान एक, एक्स टू का मान माइनस चार, वाई वन का मान माइनस पांच, वाई टू का मान पांच। अच्छा, एम वन एम टू क्या होगा? एम वन एम टू तो अभी निकालना है, एम वन एम टू तो हमको अभी निकालना है। अब देखो, यहां पर हमको इस बार एक्स का नहीं पता, वाई पता है, तो अनुपात निकालने के लिए हम y वाला सूत्र यूज करें। तो y बराबर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इस पे वैल्यू रखें। अच्छा, y का मान क्या है? जो बिंदु कट करता है, काटता है, उसमें जो पहला वाला रहता है वो x के लिए, दूसरा वाला y के लिए। तो y का मान क्या आ गया? जीरो। बराबर m1, m1 तो भैया निकालना है, y2, y2 हो गया पांच, डन। m2, m2 भी निकालना है, y1, y1 माइनस पांच बटे m1 प्लस m2, m1 कितना है ये भी निकालना है, m2 कितना है ये भी निकालना है, बटे एक। अच्छा, तिर्यक गुणा कर ले, तो तिर्यक गुणा अगर करते हैं तो जीरो का m1 m2 से करोगे तो ये तो जीरो आ गया, m1 का पांच से गुणा करोगे तो फाइव m1, माइनस प्लस का माइनस। अब यहां से हमको अनुपात निकालना है, तो हमें काम करें एम वन को एक तरफ कर ले, एम टू को दूसरी तरफ रहने दे, तभी तो एम वन बटे एम टू निकलेगा। तो एक काम करो, ये एम टू ऋण का है, एम टू को इधर ले आओ, तो क्या बनेगा? फाइव एम टू इक्वल टू फाइव एम वन। अब अनुपात निकालना है एम वन बटे एम टू का, तो एम टू को पक्षांतर कर लो एम वन की तरफ और संख्या को संख्या की तरफ। तो देखो, M1 की तरफ M2 जाएगा तो M1 बटे M2, इधर क्या बचेगा? ये संख्या इधर आएगी, पांच बटे पांच, ये कट क्या गया एक, यानी M1 अनुपाते M2 कितना बना? एक अनुपाते एक बटे एक। यहां M1 M2 का अनुपात तो आ गया। अब हमको यहां पर पता चल गया कि जो C है ये एक अनुपाते एक के अनुपात में काट रही है, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इस एक्स का मान, इस सी के लिए, सी के जो निर्देशांकों में एक्स है ना, इसका मान निकालना है। तो अच्छा, निर्देशांक भी निकालना है, तब भी देखो विभाजन सूत्र ही लगाएंगे। अब पहले तो हमने अनुपात निकाला, अनुपात मिल गया, अब सी के निर्देशांक निकाल देते हैं। तो सी के निर्देशांकों में वाई वाला तो हमको पता है, सिर्फ एक्स वाला नहीं पता है, तो हम पूरा नहीं लगा रहे सूत्र, हम सिर्फ एक्स वाले के लिए ही निकाल रहे हैं। तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एम वन एक्स के लिए है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2। X का मान निकालना है तो M1, M1 भैया कितना है? अनुपात आ गए ना, एक अनुपात एक, यहां पर रख लेते हैं अब एक अनुपात एक। M1 क्या है? एक। X2 क्या है? माइनस चार। प्लस M2 क्या है? M2 है एक। X1 क्या है? X1 है एक बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 यानी एक धन एक। इसको हल कर ले, तो एक का माइनस चार से गुणा करेंगे तो माइनस चार धन एक का एक से करोगे तो एक बटे दो। X का मान आया माइनस चार से प्लस एक, यह जाएगा माइनस तीन बटे दो। तो X का मान कितना आया? माइनस तीन बटे दो। हमको देखो निकालना क्या था? बिंदु C के निर्देशांक निकालने थे। बिंदु C के निर्देशांकों में वाई वाला जीरो आ गया था, एक्स के लिए निकालना था, x का मान आ गया माइनस तीन बटे दो, यानी कि बिंदु c के निर्देशांक क्या है? तो बिंदु c के निर्देशांक है x का मान आया माइनस तीन बटे दो गामा जीरो, ये बिंदु c के निर्देशांक है। फिर से समझो, हमने क्या किया? हमको सिर्फ ये पता था कि ये जो रेखाखंड है AB, इसको x अक्ष काट रहा है, हमने नाम दे दिया कि बिंदु c पर काट रहा है। अच्छा भैया, अगर x अक्ष काट रहा है तो जिस बिंदु पर काट रहा है उसके निर्देशांक क्या होंगे?
तो हमको पता था वो बिंदु x अक्ष पर है, तो इसीलिए x अक्ष के लिए y का मान जीरो और x का मान नहीं पता, तो उसको x ही मान लिया। अब अगर हमको इसके निर्देशांक निकालना है तो निर्देशांक निकालने के लिए पहले हमको अनुपात पता होना चाहिए कि किस अनुपात में काट रहा है। तो पहले हमने क्या किया, हमको y का मान पता था तो y वाले सूत्र से हमने अनुपात निकाल दिया। अनुपात निकालने के बाद हमको x के निर्देशांक भी निकालना है, c के निर्देशांक में x जो है उस x का मान निकालना है। तो अब हमने विभाजन सूत्र का उपयोग करके x का मान निकाल दिया, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन किया है और बाकी बीच में हमने को सॉल्व किया है। चलिए, तो अगर जिसके समझ में ना आया हो वो एक बार बता दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को दोबारा कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझा दें। चलिए ठीक है, तो चलें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, यदि 1.2, 4.y, x.6 और 3.5 को इसी क्रम में लेने पर यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स वाई का मान बताओ। इस बार कोई रेखा उखा नहीं दिया, इस बार हमको दे दिया एक समांतर चतुर्भुज। क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले भैया तो समांतर चतुर्भुज ही बनाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अच्छा, इनकी इस समांतर चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है, क्या दिया है, 1.2, 1.2, दूसरा है 4.y, 4.y, तीसरा क्या है x.6, और आखिरी क्या है 3.5। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिया है। अब इसमें से दो ये x और y और x दिया ना, x y, इनके मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी भैया बहुत लोग गलत करते हो, जानबूझ के भी गलत करते हो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन क्लास में पढ़ाया जाता है, बार बार भूलना है। तो इस बार समझिए कैसे करना है। समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है, क्या खासियत है कि जो समांतर चतुर्भुज की अगर हम विकर्ण बनाए, क्या बनाए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, जैसे हमने एसी का एक विकर्ण बनाया और एक विकर्ण बीडी का बनाया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दोनों विकर्ण मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें एक दूसरे को, क्या किया, हम एक इधर से लेके जाए एक इधर से लाए, तो दोनों बीचों बीच में काट देते हैं। यानी कि अगर हम बीडी का जो बीचों बीच का बिंदु है और जो एसी के बीचों बीच का बिंदु है, इन दोनों की बात करें तो ये एक ही बिंदु है, अलग अलग नहीं होते। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्णों का मध्य बिंदु है वो एक ही बिंदु होता है, अलग अलग बिंदु नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता हमको दिख रहा है, वो रास्ता क्या है वो भी सुनो। अगर हम एसी के जो एसी विकर्ण है इसका मध्य बिंदु निकालें, एसी विकर्ण का जो मध्य बिंदु है वो बीडी विकर्ण का जो मध्य बिंदु है उसके बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों का मध्य बिंदु है वो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता है। तो हम चलिए यही काम करते हैं, दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होना है। चलिए, तो पहले एसी का मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु निकालने का सूत्र याद है ना, अभी शुरू में मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1+x2/2, y1+y2/2, ये होता है, इस पे वैल्यू रख देते हैं। अच्छा एक चीज, एसी ए और सी हम एसी के लिए निकाल रहे हैं, तो जो x1 x2 है वो ए और सी से लेंगे, कोई भैया बी के पास मत पहुंच जाना, भी हमको एसी के लिए निकालना है तो x1 x2 ए और सी से लेंगे। तो x1 मान लेते हैं ये है हमारा x1, y1 x2 y2, अभी ए और सी से बस निकालेंगे, तो x1 हो गया 1 + x2 x/2, फिर y1 y2, तो y1 हो गया 2 + y2 हो गया 6/2। अच्छा, इसको हल करो, जितना हल हो रहा है तो एक और एक्स तो जुड़ने वाले नहीं है, मना कर रहे हैं कि हम ये एक चर है एक अचर है, हम नहीं जुड़ने वाले हैं, तो इनको वैसे ही रख दो।
अब ये 6 और 2 जुड़ जाए, 6 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 8/2, इसको काट भी सकते हैं, आया 4। देखो तो यहां से एसी के लिए निकल आया मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु क्या बना, एसी का मध्य बिंदु बना 1 × x/2 और दूसरा बना वाई, एक्स का ये बना वाई का ये बना। अच्छा एसी का मध्य बिंदु तो मिल गया, अब दूसरा विकर्ण क्या है, दूसरा विकर्ण है हमारा बीडी, बीडी का भी मध्य बिंदु निकाल ले, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी नहीं है बीडी है, बीडी का मध्य बिंदु, बीडी बीडी का, बीडी का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2। देखो मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु में मध्य बिंदु का ही फॉर्मूला लगना है ना। अच्छा तो अब देखो जो x1 x2 है वो किससे लेंगे, अब देखो बीडी के लिए निकाल रहे हैं तो x1 x2 बी और डी से निकालेंगे, अब एसी के पास नहीं जाना क्योंकि अब हम बीडी की बात कर रहे हैं। तो x1 मान लेते हैं 3, x2 4/2, अच्छा y1 हो गया 5/2, y2 y/2 आ गया यहां पर। अब ये 4 × 3 = 7/2 कामा ये 5 और y जुड़ेंगे नहीं, ये लो यहां से ये बीडी के मध्य बिंदु आ गए, आ गए एसी का मध्य बिंदु भी आ गया, बीडी का मध्य बिंदु भी आ गया, मगर क्वेश्चन ने बोला था कि हमको तो एक्स वाई का मान निकालना है, हमने क्या निकाला, हमने भी तो एसी और बीडी का मध्य बिंदु निकाला, हमने तो अलग रास्ता पकड़ लिया, नहीं रास्ता वही है, सिर्फ क्या है जो क्वेश्चन ने हमको बताया था कि ये समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है भैया तो इन दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो एक ही होगा, ठीक है, दोनों विकर्णों का जो मध्य बिंदु है वो एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु होने का मतलब जो एसी एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना, जैसे जो एक्स वाला है वो बीडी के एक्स वाले के बराबर हो और जो वाई वाला है वो बीडी के भी वाई वाले के बराबर होगा, यानी दोनों निर्देशांक आपस में बराबर होंगे। तो हम यही करते हैं, इन दोनों की तुलना कर देते हैं, 1/x/2, ये देखो एसी का एक्स वाला है तो बीडी के एक्स वाले के बराबर होगा, ये 7/2 के बराबर होगा। अच्छा दो दो दोनों के हर बराबर तो काट दो, क्यों आगे लेके जाना, बचा क्या 1 × x = 7, अब एक उधर पक्षांतर कर लो, x = 7 - 1, x का मान आ गया 6, केवल x का मान मिल गया। अच्छा अब y y वाले की भी तुलना कर ले, तो y वाले में क्या है 5 × y = 4, तो 1/2 भी है। अच्छा इस बार इसमें 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं, हमने 1 लगा लिया, यहां मत काटना क्योंकि अब देखो संख्याएं बदल गई, जब सेम संख्याएं हो एक ही संख्या हो तब है काट देते, तो आप तिर्यक गुणा कर ले, 1 का गुणा करेंगे 5 × y = 8, तो 5 उधर पक्षांतर करें तो 8 - 5, तो y बराबर हो गया 3, x का मान 6, y का मान 3। आसान था ना क्वेश्चन, क्या किए फिर से समझो, क्वेश्चन ने हमको एक हिंट दे दिया, थोड़ा सा रास्ता पकड़ा दिया, रास्ता क्या पकड़ाया, क्वेश्चन ने कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, कहा कि ये समांतर चतुर्भुज है, उसने केवल थोड़ा सा हाथ पकड़ा दिया क्वेश्चन का। अब हमने ध्यान किया कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो मध्य बिंदु है वो तो भैया बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु बराबर होते हैं, तो हमने दोनों का मध्य बिंदु दोनों विकर्णों का निकाला और दोनों की बराबर कर दिया, तुलना कर दिया, माना गया है ना। जितना क्वेश्चन कठिन समझते हो उतना होते नहीं है, क्वेश्चन आसान होते हैं, तुम लोग जानबूझ के उनको डरावना बना देते हो कि क्वेश्चन कठिन है ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, है ना। चलिए अब चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 और बिंदु B के निर्देशांक 1, 4। देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त है, ये रहा एक वृत्त, इस वृत्त का एक व्यास दिया है। अच्छा व्यास होता क्या है, व्यास क्या होता है, व्यास वह रेखा है जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे मगर वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए, या तो बोल दो कि वृत्त को 2 बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा व्यास है, या तो दूसरा बोलो कि वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक
जो रेखा केंद्र से होकर के जाए वही हमारी व्यास है। तो देखो ये हमारा ए बी व्यास है। अच्छा इनके निर्देशांक भी दिया है, क्या दिया है जिसका केंद्र, अच्छा केंद्र का दिया है, केंद्र का निर्देश केंद्र को ओ मान लो, केंद्र के निर्देशांक है 2, -3, 2, -3 और बिंदु बी के निर्देशांक है 1, 4, 1, 4। तो क्या करना है ए के निर्देशांक निकालो, इस ए के निर्देशांक निकालो। अरे चलिए मान लेते हैं थोड़ा सा कि ये है एक्स कामा वाई, इस ए के निर्देशांक है एक्स कामा वाई, हमको नहीं पता ना तो एक्स कामा वाई मान ले। अब देखते हैं इस बार देखते हैं क्वेश्चन ने कुछ हिंट दिया है कि नहीं दिया। एक चीज दिया है केंद्र के निर्देशांक, केंद्र। अच्छा ये समझो जो व्यास होता है ना, व्यास अगर व्यास का मध्य निकाले, व्यास का मध्य बीचों बीच का निकाले तो वो कौन है, वही केंद्र है। अगर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो एबी है एबी का मध्य बिंदु है ओ, यानी कि हमको मध्य बिंदु के ही निर्देशांक दिया है। तो अगर देखो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है तो हम मध्य बिंदु का सूत्र भी लगा लें, अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक पता है तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा लें। लगाते चलो एक्स बराबर क्या होता है x1 + x2/2, वाई बराबर होता है y1 + y2/2, ये होता है। तो सबसे पहले x1 x2 के मान निकालना है भैया, वो बहुत जरूरी है। x1 क्या होता है, x1 देखो पहला देखो ये x1 x2 इनसे निकलेंगे और ये जो xy है देखो मध्य बिंदु का सूत्र लगाए हैं, तो ये जो xy है ये मध्य बिंदु वाले हैं यानी इस xy के मान ले रहे हैं। अच्छा x1 हो गया x, y1 हो गया y और इसके बाद देखो y आ गया ना, x2 कितना हो गया, x2 हो गया 1 और y2 हो गया 4। अब देखो भैया ये xy, ये वाले xy के मान क्या होंगे, इन xy के मान देखो भैया मध्य बिंदु के सूत्र से हैं, तो जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं वही ये xy है। ये देखो 2, -3 x के लिए हो गया 2, y के लिए हो गया -3। अब इस पे मान रखते हैं x का मान क्या है, ये रहा 2 मध्य बिंदु से, x1 x है, x2 भी 1 है बटे 2। इधर y के पास आ जाओ, अच्छा y का मान तो है हमारे पास, क्यों y रख रहे हैं, y कितना है -3, y1 है y प्लस y2 है 4 बटे 2। अब इसको हल कर लेते हैं, इधर गुणा कर लो, 2 का 1 से करोगे 4, एक का x से गुणा करोगे तो x धन 1 का 1 से करोगे तो 1 आ गया, पक्षांतर करो तो 4 - 1 = x, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, आ गया x का मान। अच्छा y के लिए निकालें बटे 1 लगा के फिर तीजा गुणा कर लें, तो 2 का -3 से करेंगे तो -6 = y - 4 आ गया, तो 4 को भी इधर लाओ तो -6 इधर आया तो -4, देखो प्लस इधर माइनस में तो -4 - 6 जुड़ के आ गया -10, वाई का मान आ गया -10, एक्स का मान 3। तो इस बिंदु ए के निर्देशांक हमने एक्स वाई माना था, क्या माना था एक्स वाई, तो एक्स वाई। अभी यहां पर देखो x1 x2, अगर हमने यहां पर x1 y1 माना होता तो यहां पर हम ये जो एक्स रखे ना x1 और y1 रखते, लेकिन हमने शुद्ध xy मान लिया था तो इसीलिए हमारा xy मिला। तो x इस बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो गए, इसके हो गए 3, -10। हमसे सिर्फ इस ए के निर्देशांक पूछा था, हमने बिंदु ए के निर्देशांक निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यदि ए और बी, देखिए एक बिंदु दिया है ए, दूसरा बिंदु दिया है बी, बिंदु ए और बी इनके निर्देशांक दिया है 2, 2, ए के निर्देशांक है -2, -2, बिंदु बी के निर्देशांक है 2, -4, 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करो, P के निर्देशांक, अच्छा भाई बोला है इसमें से कहीं P है, अभी पता नहीं है P कहां है, सिर्फ बोला है P के निर्देशांक निकालने को, बताया नहीं P कहां, तो अभी आगे देखें, ताकि AP मान लेते हैं यहां पर P, यहां पर इस P के निर्देशांक निकालना है, इस P के निर्देशांक मान लिया XY,
हमको इस पी के निर्देशांक दिया है। अब यहाँ पर समझो एक रेखाखंड था, इस रेखाखंड को ये देखो पी काट रहा है, तो इस पी के निर्देशांक निकालना है। तो भैया अगर हमको विभाजित करने वाले कोई जो बिंदु काट रहा है उसके निर्देशांक चाहिए तो अनुपात पता होना चाहिए। लेकिन अनुपात अभी देखें दिया कि नहीं दिया है, दिया है देखो अनुपात के नाम पर एक छोटा सा खिलौना दे दिया। क्या दिया? एपी बराबर 3/7 एबी, 3/7 एबी ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हो आप लोग? गलती ये करते हो कि देखते हो 3/7 जो भैया बटे में हो उसी को अनुपात लगाने हैं, तो तुम लोग डायरेक्ट 3/7 रख के आ जाते हो, जबकि ये अनुपात नहीं होगा, ये अनुपात गलत है। ये अनुपात नहीं, ये एक अनुपात के लिए हिंट दिया है। अभी यहां से हमको अनुपात बनाना है, क्या करना है? अनुपात अभी बनाना है, अनुपात मिला नहीं है। देखिए बनाना कैसे है, हमको सिर्फ बोला है एक हिंट छोटी सी दिया है। अगर देखो हमें काम करें इसको हल करने के लिए, यहां देखो बटे में है तो इस बटे को इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो तो बनेगा 7AP = 3AB, बन जाएगा ना 7AP = 3AB। अगर हम देखें देखो ये एपी है यहां से यहां तक और ये पूरी रेखा है एबी, तो जो एबी है देखो जो एबी है हम इस एबी को अगर चाहे तो देखो एबी दो टुकड़ों को जोड़ करके बनी है ना एपी और बीपी को, तो अगर हम चाहे तो एबी बराबर एपी प्लस बीपी अगर चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो एबी है वो एपी और बीपी को जोड़ के बनी है, तो हम चाहे तो ये लिख सकते हैं ना, तो एपी की जगह लिख देते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब यहां से एक जादू होगा, क्या होगा? एबी बराबर है एपी धन बीपी और 3 का गुणा कर दो तो 7AP = 3AP, 3 कैसे भी करोगे तो 3BP, एपी को एपी की तरफ ले आओ तो 7AP के माइनस आ जाए, इधर माइनस में आएगा 3AP, देखो उधर क्या बचा 3BP बचा ना। अच्छा 7AP से 3AP घट जाएगा तो कितना बचेगा 4AP = 3BP। अब भैया देखो एपी बीपी है ना AP BP, अब यहां से जो अनुपात बनेगा वो अनुपात माना जाएगा। अच्छा तो हमें काम करें बीपी को इधर पक्षांतर कर लो, चाहे एपी को किसी को कर लो, चलो एपी को कर दो उधर तो 4 तो संख्या इधर आ जाएगी ना 4/3 = BP/AP। अनुपात देखो अनुपात वो अनुपात लेते हैं कि जिसमें जहां से कट रहा तो एक हिस्सा इधर का हो एक हिस्सा यहां का हो, पूरे से थोड़े की तुलना ना हो। जैसे यहां पे किया है एक एपी की तुलना देखो पूरी रेखा से कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको सॉल्व करके सीधा करना है, ये देखो हमने मारपीट के उसको सीधा कर दिया। तो यहां देखो क्या बना BP = AP = 4/3, 4/3 अनुपात मिल गए। अब भैया अनुपात तो मिल गए हैं, एपी बीपी के अनुपात तो मिल गए हैं, अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। चलिए निर्देशांक भी निकालें, तो पहले निकाल लें x1 होगा -2, फिर होगा y1 भी -2, x2 है माइनस और प्लस का 2, y2 होगा -4। अच्छा m1 क्या होगा? m1 होगा 4, m2 क्या होगा? m2 हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। तो अब हमको निकालना, तो हम विभाजन सूत्र रख देते हैं। विभाजन सूत्र क्या है? x = m1x2+m2x1/m1+m2 और y के लिए निकालें अगर तो y बराबर क्या होगा? m1y2+m2y1/m1+m2। अब इस पे चलिए वैल्यू रखें, x = m1 है 4 गुणे x2 है 2 घन, m2 है 3 गुणे x1 है -2 बटे m1+m2 4+3। अच्छा y वाले में भी मान रख लो तो m1 है 4, y2 है -4 घन, m2 है 3 गुणे y1 है -2 बटे m1 m2 4 घन 3।
यहां तक आ गया। इनको हल करते हैं, x बराबर देखो चार का दो से गुणा करोगे तो आठ, माइनस प्लस का माइनस, तीन दूनी छह, बटे चार तीन जुड़ के आ गया सात। अब y की बात करें तो माइनस चार प्लस चार गुणा होगा तो आ गया माइनस सोलह, माइनस प्लस का माइनस, तीन दूनी छह, बटे चार तीन सात, यहां तक आ गया। हमने क्या किया, सबका जो गुणा भाग था वो हल कर दिया। अब यहां पर देखो x बराबर आठ से अगर दो घटाओगे तो आठ से अगर छह घटाओगे तो आएगा दो बटे सात, y का कितना आया सोलह छह, दोनों माइनस, दो के दोनों माइनस के हैं तो आ जाएगा सोलह छह माइनस बाईस बटे सात। तो एक्स वाई के मान मिले ना, वो एक्स वाई देखो इसी के निर्देशांक है ना, तो एक्स वाई के मान क्या मिले, दो बटे सात का मान माइनस दो बटे सात बाईस बटे सात। तो हम बोल देंगे कि पी के निर्देशांक हो गए दो कामा सात माइनस बाईस कामा सात, ये बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये अनुपात दे, किसी थोड़ी सी रेखा का पूरे के साथ अनुपात दे दे तो उसको सॉल्व करके हमको छोटा करना। देख लेना अगर जो पूरी रेखा है, जैसे यहां पर ए बी पूरी रेखा दे दिया था, वो जितने टुकड़ों से मिलकर बनी है उन सब का मान रख दो और पक्षांतर कर लेना। जैसे ये ए बी है ना, ये ए बी एपी और बीपी से जुड़ के बनी थी, ए बी एपी और बीपी से जुड़ के बनी थी तो हमने यहां पर रख दिया एपी प्लस बीपी, जितने टुकड़ों से बनी थी उसका मान रख दिया और आसानी से आंसर मिल गया, बहुत आसानी से। चलिए तो चले, समझ आ गया कि नहीं आ गया सबके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष, हमको बोला है कि एक सम चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है, चलिए एक बना लेते हैं चतुर्भुज। हमने कहा एक चतुर्भुज बना लिया, हमने नहीं देखा सम चतुर्भुज है कि नहीं, हमको सिर्फ समझने के लिए एक चतुर्भुज बना लिया, इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके निर्देशांक क्या दिया है, तीन कामा जीरो, एक बिंदु है तीन कामा जीरो, फिर है चार कामा पांच, चार कामा पांच, फिर है माइनस एक कामा चार, माइनस एक कामा चार, फिर क्या दिया है माइनस दो कामा एक, माइनस दो कामा एक। भैया सम चतुर्भुज हमने सिर्फ समझने के लिए बना लिया है, समझाने के लिए, और ये मत देखना कि टेढ़ा मेढ़ा बना है। हाँ अब देखो हमको बोला क्या है कि इस सम चतुर्भुज के, इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हमको सम चतुर्भुज के निर्देशांक दे दिया। यार क्षेत्रफल निकालना तो बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है ना, बहुत कठिन काम हो गया ये। लेकिन अगर हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला पता है तो कोई कठिन काम नहीं है। सम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो भैया सूत्र क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो गुणे विकर्णों का, विकर्णों का गुणनफल, क्या होता है एक बटे दो विकर्णों का गुणनफल। अच्छा इसके विकर्ण कौन है, देखो भाई विकर्ण कौन है, तो विकर्ण होंगे एसी और क्या होंगे बीडी। अच्छा एसी बीडी तो है, तो एसी बीडी का रखे क्या भैया, विकर्णों जब भी बोल देना विकर्णों का गुणनफल, कुल मिला के उनकी दूरी की है बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, जब उनके दूरी की बातें कर रहा है विकर्णों का क्या रखेंगे, विकर्णों की दूरी रखेंगे। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक बटे दो, पहला विकर्ण होगा एसी, दूसरा विकर्ण होगा बीडी, है ना, एसी गुणे बीडी। विकर्णों की बात, विकर्णों के गुणनफल चाहिए, यानी विकर्णों की दूरी निकाल करके उनका गुणा करेंगे। चलिए पहले एसी की दूरी निकाल ले, एसी, एसी की दूरी फॉर्मूला याद है कि नहीं भैया, भूल गए, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो x2 AC के लिए x2 माइनस एक ले लेते हैं, x1 तीन, y2, y2 हो गया चार, y1 जीरो, अरे माइनस का स्क्वायर रख दिया गया वैल्यू,
अब देखो माइनस एक माइनस तीन जुड़ के हो गया माइनस चार का वर्ग, माइनस चार से अगर जीरो घटाए तो भैया चार ही आएगा, माइनस चार का वर्ग करो दिया गया सोलह, माइनस चार का वर्ग सोलह कितना आया रूट बत्तीस, एसी की दूरी कितनी आ गई रूट बत्तीस यूनिट, रूट बत्तीस मात्रक, एसी की दूरी तो मिल गई है, लेकिन खाली एसी की दूरी में काम नहीं चलेगा, हमको दोनों भी करणों का गुणा करना है, तो एसी की दूरी तो आ गई, बीडी की भी निकाले साथ में, अब बीडी की भी निकालना है, तो बीडी की दूरी हम कहां पे निकाल देते हैं, चलिए यहां पे निकाल रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ये सूत्र बाद में लिख लेंगे, बीडी बीडी की दूरी के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा, दूरी सूत्र लगेगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अच्छा y x2, अब देखो bd के लिए निकालना है तो x1 x2 bd से निकालेंगे, तो चलो हम कोई भी x1 x2 मान लेते हैं दोनों से, मान लिया ये चार माइनस, देखो माइनस इसमें भी माइनस सूत्र में भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 पांच माइनस y1 इसमें भी माइनस यहां भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, हल कर देते हैं इसको, तो चार दो छह का वर्ग, पांच एक छह का वर्ग, यहां से कितना आया छह का वर्ग करेंगे छत्तीस, और यहां भी छह का वर्ग छत्तीस, छत्तीस छत्तीस जोड़ दो तो छत्तीस छत्तीस हो जाएगा रूट बहत्तर, आ गया बीडी की भी दूरी कितनी आ गई रूट बहत्तर मात्रक, अभी हमने इनको छोटा नहीं किया वही रखते हैं, हमको दोनों की दूरी मिल गई, लेकिन अब रख देते हैं समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है तो उसके क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है सूत्र एक बटे दो विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है एसी गुणे बीडी, एक बटे दो एसी, एसी कितना आया है रूट बत्तीस आया है, रूट बत्तीस रख लेते हैं, बीडी बीडी क्या आया है, बीडी आया है रूट बहत्तर, बहत्तर रख लेते हैं, अब यहां से हमको दो रास्ता है, हमारे पास देखो दो रास्ता है, पहला रास्ता है इसको थोड़ा छोटा कर ले, दोनों को छोटा कर ले देखें कितना बन सकता है, या तो फिर दूसरा रास्ता है कि हम सब का लास गुणनखंड कर ले, चलिए पहले ऑप्शन में चलते हैं वो ज्यादा आसान लग रहा है, जैसे बत्तीस है ना, बत्तीस को अगर और छोटा करें तो बन जाएगा सोलह दो से आठ, दो से चार, दो से और काटो तो ये दो एक, देखो इस दो का जोड़ा बना, इस दो का जोड़ा बना, जिनका जोड़ा बन गया उसको बाहर लाओ, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको अंदर रखो, तो दो दूनी चार, चार में दो का करो, यहाँ पे चार, देखो इनका जोड़ा बन गया बाहर आ गए, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसको हम लिख सकते हैं चार अंडर रूट दो, लिख देते हैं एक बटे दो बत्तीस को लिख दो चार अंडर रूट दो, बचा क्या बहत्तर, बहत्तर को भी छोटा कर लेते हैं, बहत्तर को भी छोटा कर लेते हैं, यहां से एक चीज देखो बहत्तर है ना, हम बहत्तर को छत्तीस दूना बहत्तर होता है लिख सकते हैं, दो अंडर रूट छत्तीस लिख सकते हैं, दो गुणे छत्तीस अंडर रूट में, अच्छा छत्तीस किसका वर्गमूल है छह का, तो छत्तीस का हमको वर्गमूल पता है, छत्तीस छह का है तो इसको छह अंडर रूट दो लिखना दे, हमने यहां से डायरेक्ट थोड़ा कर दिया, अगर चाहो तो लासा लेके भी निकालोगे तो छह अंडर रूट दो आएगा, तो हम बहत्तर की जगह पर छह अंडर रूट दो रख लेते हैं, अब इनको गुणा करना है तो रूट के जो बाहर है बाहर वाले से गुणा करो, रूट के अंदर वाले का अंदर वाले में गुणा करो, तो एक बटे दो, देखो चार का छह से बाहर वाले का बाहर से गुणा, छह चौको चौबीस गुणे रूट दो, रूट दो अगर कोई संख्या रूट के अंदर है समान संख्या है तो वो डायरेक्ट रूट के बाहर निकाल के रख दी जाती है, अब देखो एक बटे दो से इस दो को काट दे तो बचा क्या चौबीस, क्या बचा चौबीस बचा, यही क्षेत्रफल हो गया, मगर जब भी क्षेत्रफल निकालोगे पीछे यूनिट लगाना जरूरी है, अब यूनिट तो हमको हमको पता नहीं है क्या है, तो हम यूनिट नहीं पता है तो हम अपने से बना के लिख देते हैं चौबीस वर्ग मात्रक, आ गया समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक छोटा सा सूत्र याद कर रखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो दोनों विकर्णों का गुणनफल, और उस सूत्र में जो भी विकर्ण है उनकी दूरी निकाल करके रख देना है, क्वेश्चन सॉल्व।